बाद में एक और चीज बता दूं कि गाड़ी लेने से पहले और आज हम लोगों ने पांच चीजों को कवर किया जो कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताविश अली। सो गाइस, हमारी सुबह हो चुकी है एंड एक चीज मतलब एक स्कैम हुआ है हमारे साथ में, छोटा सा, मतलब स्कैम नहीं कहेंगे, थोड़ी सी गलती हमारी भी रही कि हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं तो हम लोगों ने पहले से चेक किया कि ये होटल कहाँ पर है, और ये होटल एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर जो कि साउथ में है। साउथ से पहले अगर मैं बता दूँ कि हम लोग कहाँ हैं, तो ये हमारा जो ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है गोवा का। तो गोवा में हम लोगों ने होटल को बुक किया, और होटल जो हम लोगों ने बुक किया वो हमारा 35 किलोमीटर से जो कि साउथ गोवा में, और जो मेन मेन अट्रैक्शन घूमने वाले हैं, जहाँ पर घूमने की जगहें हैं वो है नॉर्थ गोवा में। जैसे अगर आप बात करो बागा बीच हो गया, और ये जो मतलब जो मेन मेन चीज़ें वो सारी चीज़ें सब क्या बोलते हैं नॉर्थ गोवा में। तो फिर हम लोगों ने एक्चुअली इस होटल को इसलिए बुक किया था क्योंकि यहाँ पर जिम था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कोविड की वजह से वो जिम नहीं खुला है, क्योंकि मैं अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं करना चाह रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या करें। फिर हम लोगों ने MMT पे देखा, और वहाँ पर कुछ कैंसिलेशन का सिस्टम नहीं था, नॉन रिफंडेबल था, तो कैंसिल नहीं हो पाया। फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग को यहीं पर रुकना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। उसके लिए फिर हम लोगों ने मैंने सोचा कि अच्छा क्या करना है। फिर हमने कहा कि मतलब फिर हम लोगों ने कार को बुक किया है 5 डेज के लिए, और फिर हम लोग 5 दिन तक के अब यहीं पर रहना पड़ेगा। डेली 70 किलोमीटर्स अप डाउन करना पड़ेगा फ्रॉम मेन सिटी टू दिस होटल। बट होटल अच्छा है, रूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, बट बहुत दूर है। तो ठीक है गाइस, अब एक्सरसाइज के लिए जिम तो है नहीं, तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी, उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं, और फिर नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ ले जाएगी वो गाड़ी, और पहला दिन हमारा कैसा होगा गोवा का। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट अप ऑफ द डे कैसा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आए तो टुक टुक स्टार्टिंग। गाइस, तो हम लोग क्या बोलते हैं होटल से निकल चुके हैं, और हम लोग का जो सबसे फर्स्ट स्पॉट है, जो सबसे पहली जगह है गोवा में, वो है ये पैंगोलिन बीच। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ये ये सब बैम्बोलिन बीच का एरिया, और उस साइड में भी अगर आपको दिखाऊं तो वो सारा पूरा मतलब देख रहे हैं, वो भी बैम्बोलिन बीच का ही एरिया है। तो आज नेक्स्ट स्पॉट हम लोग भी कवर करेंगे, इसी वीडियो में ही कवर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम कहां पर जाते हैं। ये देखो भाई साहब, इसमें आराम से चलने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। आगे जाना अलाउ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा ट्राई मारते हैं। वाओ ब्रो, जल ही जीवन है। वाओ ब्रो, वाओ, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। गाइस, मैं जिस दूसरे बीच की बात कर रहा था आपको, जो बैंगोलिम बीच के जस्ट बगल में है, वो है सर दाओ बीच, ठीक है, जो कि है ये, आप लोग देख सकते हो, ये जैसे बैंगोलिम बीच है, बस उसका ये यहाँ पर ये कॉर्नर है जो ये दिखा, यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पर ये खत्म है, और जस्ट उसके बाद से वो जितना आप लोग देख रहे हो ना वहां तक, ये है सरदाओ बीच। तो ये था बैंगोलिम बीच और सरदाओ बीच का टूर।
आगे देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने वो दोनों बीच क्या बोलते हैं घूमने के बाद में हम लोग जा रहे थे फाउंटेन की तरफ, जो कि एक और मतलब यहाँ का चर्च है, बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं चर्च है। तो वहाँ मतलब जाते समय हम लोग को लग गई भूख, तो हम लोग ने सोचा चलो रास्ते में कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ खाना वाना खाने जा रहे हैं। चलिए खाना ना खाने के बाद में फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब तक के लिए ये इसका हाइपरलैप एंजॉय करिए। ये भी एक चर्च है जो कि बहुत ही फेमस चर्च है, जिसका नाम है आर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। यहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं, ये भी एक टूरियर एट्रैक्शन, बहुत ही मस्त प्लेस है, आई मीन चर्च है। आप लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। मैं जिस क्रूज पे आया हुआ हूँ, मेरे जस्ट पीछे आप लोग देख सकते हो कैसे लोग डांस कर रहे हैं। मतलब ये पांजी में है ये क्रूज, और क्या बोलते हैं इसका हम लोग ने जो चार्जेस पे किया है वो 450 रुपीज किया है। मतलब ये देखिए सब लोग क्या बोलते हैं डांस कर, पता नहीं कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा इस वीडियो पे। ये देखिए जस्ट मेरे बिहाइंड में भाई सब, जो लोग भी क्या बोलते हैं गोवा में आए हुए हैं, और जिन लोगों को भी क्या बोलते हैं जो लोग कैसीनो लवर्स हैं, कैसीनो लवर्स जिन लोगों को कैसीनो खेलना पसंद है, बहुत पैसा उड़ाना पसंद है, इधर उधर पैसा उड़ाना पसंद है, इन लोगों को मैं बता दूं कि ये आप लोग देख सकते हो जैसे ये बड़े बड़े कैसीनोज हैं, बिग डैडी, ये मतलब वन ऑफ द फेमस है जो कि पांजी में है, बिग डैडी हो गया। और ठीक है, और अगर दूसरे में कैसीनो की बात करूँ जो कि यहाँ पर है, कि जैसे ये मैजिस्टिक प्राइड है। प्लस एक और चीज़ बता दूँ कि इन सब में एंट्री फीस भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, प्लस आप लोग को खेलना भी होता है इतना सब लेकर के। और दूसरे अगर कैसीनो की बात करूँ तो ये भी एक कैसीनो, इसका नाम एक्चुअली मुझे नहीं याद है कि इसका नाम क्या था। और एक और कैसीनो है वहाँ पर जो आप लोग ये देख सकते हो, जो डेल्टिन रॉक, डेल्टिन जैक आई थिंक, या डेल्टिन जैक करके ये कैसीनोज हैं। यहाँ पर आप लोग आकर के अपने पैसे कैसे की तैसी कर। सो गाइज, आज का हमारा ये ब्लॉग ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपने रूम में वापस आ चुके हैं। और आज हम लोगों ने 5 चीज़ों को कवर किया जो कि नॉर्थ गोवा में थी। तो हम लोग ने कैसे कवर किया है, किस तरीके से कवर किया है, सारी चीज़ें मैं बताना जा रहा हूँ आप लोग को। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से गए थे नॉर्थ गोवा में, गए थे जो वो थी बैम्बोलिम बीच, और उसके बाद में क्या बोलते हैं हम लोग गए थे जहाँ पर वो था, उसके जस्ट बगल में ही था, मैंने जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है उसके जस्ट बगल में ही था सिरिदाव बीच। ठीक है, फिर वहाँ से थोड़ी दूर 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जो हम लोग जहाँ पर गए थे वो था फाउंटेन हाउस, जो कि पंजिम में है, जो कि एक क्या बोलते हैं लोकेलिटी है जिसका नाम है लैटिन क्वार्टर। तो वो मतलब इतना खूबसूरत बना हुआ है, मतलब इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी गाड़ी को पार्क करिए, या साइकिल से गए हो या स्कूटी से गए हो, जैसे भी गए हो, जो भी चीज़ आपके पास में उसको क्या बोलते हैं आप पार्क करिए वहाँ पर, और फिर वॉक करिए वहाँ की जो क्या बोलते हैं नैरो लेंस है ना, मतलब मस्त, तो तब आपको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट उसका फील आएगा। और इवनिंग में भी क्या बोलते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में लाइट्स वगैरह चलती हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फिर उसके बाद में हम लोग जहाँ दूसरी जगह गए थे वो था क्या बोलते हैं एक चर्च था जो कि बहुत ही फेमस चर्च है। वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर फोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, जिसका नाम था आर लेडी ऑफ इमैक्युलेशन परसेप्शन, जो चर्च का नाम था, वहाँ आप लोग जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। फिर उसके बाद में लास्ट में जब हम लोग गए थे तो वो भी क्या बोलते हैं पंजिम में ही था, जो कि था कैसीनो। ठीक है, जो कि कैसीनो था जिसमें क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े कैसीनोज थे, जो हम लोग जो ऐसे जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जो कि बिग डैडी था और क्या बोलते हैं प्राइड था, और मतलब ऐसे बहुत सारे थे वहाँ पे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्रूज पे क्या बोलते हैं क्रूज लिया था, जिसका 450 रुपीज़ चार्ज था पर पर्सन का। आपका जिस तरीके से बजट अलाउ करे आप उस तरीके से जा सकते हो, मतलब और भी चार्जेस हैं 500, 600, 800, 1000, मतलब जिस तरीके से आप जा सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और आप लोग को बता दूं मैं, कि अगर आप लोग मतलब इसे यहाँ पे हो तो इजीली आप लोग को क्या बोलते हैं एक्टिवा वगैरह और गाड़ी वगैरह मतलब मिल जाएगी। और एक और चीज़ जो कि रेंटल मिलेगी, और उसके बाद में एक और चीज़ बता दूं कि गाड़ी लेने से पहले उसको चेक करिए, और उसको क्या बोलते हैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना करके अपने पास में रख लीजिए। अगर इन केस रिटर्न करने के टाइम पे अगर कुछ ऐसा वो लोग आपको बताते हैं कि नहीं ये चीज़ पहले से नहीं था, तो आप उनको वीडियो दिखा सकते हो एक सबूत के तौर पर। तो गाइस, ये था हमारा आज का पूरा ब्लॉग, ये सारा क्या बोलते हैं जो चीज़ हम लोगों ने किया और आप लोग देख ही चुके हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन बाय प्रेसिंग द ऑल नोटिफिकेशन, अपडेट करना, शेयर जरूर करिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।